एक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे जीव विज्ञान टॉपिक वाइज प्रीवियसर क्वेश्चन सीरीज एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल के साथ आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम पादक जगत के अंतर्गत जीवाणु कवक शैवाल के टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन कवर करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और रेलवे के सभी आगामी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम्स और कुछ जीवाणु एस्परिलिजस इत्यादि प्रजनन इस प्रकार होता है, किस प्रकार होता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीजाणु। किस प्रकार का होता है बच्चों? बीजाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन का। शैवाल बच्चों थेलोफाइटा होते, शैवाल कैसे होते हैं ये क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में, थोड़ा लिख देता हूं मैं आपके सामने। शैवाल कैसे होते हैं बच्चों? थेलोफाइट होते हैं। महासागरों में ना इनकी विशाल जो मात्रा पाई जाती है ना, जिसका प्रयोग खाने में भी किया जाता है, वैज्ञानिकों ने ना महासागरों में इसकी विशाल मात्रा से ना मिथेन के अंतहीन होने या स्रोत उत्पन्न होने की आशंका बताई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, खालिस्तान पादक जगत के उभचर कहलाते हैं। आपको बताना है पादक जगत के उभचर कहलाते हैं, कौन से कहलाते हैं? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को ना पादक जगत का उभचर कहते हैं। क्यों कहा जाता है ये भी तो पता होना चाहिए। ये भूमि पर ना जीवित रहते हैं परंतु लैंगिक जनन के लिए ना जल पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते आपको ये बताना है। टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? फूल नहीं पाए जाते। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देवदार। बच्चों देवदार पौधे में ना आवरण रहित बीज पाए जाते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सेड्रस। क्या होता है जी? वैज्ञानिक नाम के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, सेड्रस डेओडारा, याद रखना है आपको, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्नलिखित में से कौन से पादक समूह में परागण होता है? किसमें होता है बच्चों? राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, आवर्तबीजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सात, जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसी भाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर सात का आपका राइट आंसर होगा, इसे बोलते हैं रूट हेयर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर आठ, खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो खालिस्थान है। क्या है जी? जो भूमिगत तना होता है। अदरक क्या होता है? भूमिगत तना। क्वेश्चन नंबर नौ, पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है? गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है आपको यह बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पत्तियां। कौन सा होता है जी? पत्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फूल का एक मादा प्रजनन अंग है, कौन सा होता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आरआरबी ग्रुप डी 16/11/2018 सिर्फ फर्स्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्त्री केसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्ररोह में विकसित होते हैं? राइट आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का? ऑप्शन नंबर बी, प्रांकुर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रांकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है, इससे यह पता चलता है कि वह संभवतः खालिस्तान बन सकता है, किससे बन सकता है आपको ये बताना है क्वेश्चन में। अति महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये आपको ये बताना है। एंड्रोटॉक्सिन सिंस का बन सकता है, एक चोड़ी
पेंटी डागलिकेन दीवार का है या एंडोस्पोर्स का है या एंडोजिनस बर्ड का है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एंडोस्पोर्स। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अटलांटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा, उसे क्या बोलते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 15, दूध को दही बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर होगा, दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लैक्टोबैसिलस। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसी प्राकैरियोटिक कोशिका तंत्र, केंद्रीय पटल रहित वाले एक कोष के जीव समाविष्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा, इसे क्या बोलते हैं? मोनेरा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था, कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अमीबियासिस के कारण क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पेचिस। क्वेश्चन नंबर 19, बेसिली ऐसे जीवाणु हैं जो खालिस्तान होते हैं, क्या होते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए छड़नुमा। क्वेश्चन नंबर 20, यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा, उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसे बोलते हैं मोनो ट्राइकस। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? एसेरिकिया कोलाई खालिस्तान में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है यह आपको बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मनुष्य की आंत में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। राइट आंसर आपका क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी डायटम। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर 24, पादप के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक संरचना पाए वाले पादप आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी थैलोफाइटा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ब्रेड बनाने के में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर होता है वो कैसा होता है बच्चों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है ये। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनन शरीर में अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मुकुलन। क्वेश्चन नंबर 27, खालिस्तान बहुविखंडन द्वारा जनन करता है, क्या करता है जी? ऑप्शन नंबर बी होगा प्लोजमोडियम। क्वेश्चन नंबर 28, लाइकेन प्लांट खालिस्तान डिवीजन से संबंधित है, किससे संबंधित है बच्चों? ये आपका है थैलोफाइटा से। ऑप्शन नंबर बी लाइकेन प्लांट थैलोफाइटा डिवीजन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29, जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती खालिस्तान समूह में आते हैं, किस समूह में आते हैं? क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वो थैलोफाइटा समूह में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोप है, कौन है सेप्रोट्रोप? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कुकुरमुत्ता। कहाँ है क्वेश्चन बच्चों? कुकुरमुत्ता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा कुकुरमुत्ता। क्वेश्चन नंबर 31, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रिपीट होता है बार बार, रेलवे के सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर होगा काइटिन, किसकी बनी होती है? काइटिन, रिपीट होगा। क्वेश्चन नंबर 32, कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं?
जिसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, काइटिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 33, मशरूम एक खाली स्थान है, मशरूम क्या है बच्चों, एक कवक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, खालिस्तान एक बहुकोशिकीय जीव है, राइट आंसर एगेरिकस। क्वेश्चन नंबर 35, शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है, शैवाल किस से संबंधित है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थैलोफाइटा से। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों, फाइकोलॉजी कहता है, और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। क्वेश्चन भी रिपीट होता है एग्जाम में बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से क्या बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है, क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर होगा, ये बताना है कौन सा प्रजनन करता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइजोपस। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है, कौन होता है, राइजोपस ही होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38, ऐसे कवक जो अपने भोज के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है बच्चों एंटोमोपेजो, जो दोबारा देखते हैं क्या कहा जाता है बच्चों उनको, उनको कहा जाता है एंटोमोफेटोजेनिक, थोड़े अजीब अजीब नाम से हैं। क्वेश्चन नंबर 39, नीचे में कौन सा बेंडिंग पुनरुत्पादित होता है, क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खमीर और हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता, क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिक्सिया। क्वेश्चन नंबर 41, खालिस्तान में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है, कहीं में होता है बच्चों ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुगुलन या बंडिंग। क्वेश्चन नंबर 42, मुगुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है, क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यीस्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन से जीव ब्रेड मोल्ड के रूप में भी जाने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइजोपस। क्वेश्चन नंबर 44, खालिस्तान समूह के पौधों को सामान्यतः सेवाल कहा जाता है, किस समूह के पौधों को सामान्य सेवाल कहा जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थैलोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 45, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे हुए पौधे जिनमें पौधों के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते, खालिस्तान वे समूह से संबंधित है, किस समूह से संबंधित है, में होते हैं आपके थैलोफाइटा समूह से, थैलोफाइटा थी महत्वपूर्ण, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सा गैर संवहनी पौधा है, क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर होगा, गैर संवहनी पौधा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, कारा। क्वेश्चन नंबर 47, एक पादक समूह जिसके जिसके पौधों में जड़ तना और पत्तियां नहीं होती उसे क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 47 का आपका राइट आंसर होगा उसे कहा जाता है थेलस। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों तनों और पत्तियों में अलग नहीं है, क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, स्पाई रोगाइरा। क्वेश्चन नंबर 49, सेवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं जो विशेष रूप से खालिस्तान में पाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी, पानी में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोष के हरित सेवाल है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केले माइडोमोनस। प्यारे बच्चों आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है, यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।